पता क्या यादगार रहे जो था, है कि नहीं। हाँ, शुभ लाभ के सभी दर्शकों को रजनी रावत का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड से एक खूबसूरत ब्लॉग के साथ, जो कि हम मार्केट जा रहे हैं। पीछे से मेरी सासू माँ आ रही हैं और उनकी फ्रेंड। तो अभी हम लोगों की जीप आ गई है और हम इस पर बैठ कर आप लोग मार्केट की तरफ जाएंगे और पूरी वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आज रात से ही यहाँ पर बारिश शुरू हो गई थी और बारिश की वजह से ये जो नीचे नदी आ रखी है, इसमें भी मिट्टी वाला पानी आ रखा है और बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रखा है। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं सियूसी मार्केट में, जहाँ की हमारा थोड़ा काम है। तो अभी हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे, वहाँ पे हमारा ब्लॉक का कार्यालय है। तो वहाँ पे अभी मैं और मेरी सासू माँ जाएंगे और आप खूबसूरत दृश्य का, नज़ारे का आप भी आनंद उठाइए। और ये नीचे को आगे से जा रही है मेरी सासू माँ और आप लोग देख सकते हैं पहाड़ों के रास्ते भी कितने अच्छे बने हुए हैं। पूरे इन पे पत्थर बिछे हुए हैं रास्तों पे और अच्छे से रेलिंग वगैरह हो रखी है। और यहाँ पे आ रही है एक हमारी बुजुर्ग महिला और गाय को लेकर, जो कि गाय चराने को जाते हैं। और हमारे पहाड़ों में ना ऐसी छोटी छोटी गायें होती हैं, और ये गाय है और ये उसका बछड़ा है, क्यूट सा। और अब पहुँच गए हम तहसील में, जहाँ पे हम थोड़ा बहुत हमारा काम है। तो हम जाएंगे अभी अंदर को और आप लोग देखिएगा कि कैसे कैसे अंदर का काम होते हैं। और ये हैं हमारे यहाँ पे अध्यक्ष, मतलब जो भी यहाँ के अधिकारी होंगे। तो यहाँ पे ना आज बहुत सारी भीड़ हो रखी है, तो हमें भी बहुत टाइम लग गया है यहाँ पे। और सुबह से शाम हो गई थी हमें यहाँ पर, तो अभी हमारा काम हो रहा है क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा थे तो हमें बहुत टाइम लग गया। और अब चल रहे हैं हम घर की तरफ को शाम के 5 बजे। और अभी थोड़ा बारिश बंद हो गई लेकिन मौसम तो बड़ा दोस्तों मस्त। दूसरे दिन है। मैं चली गई हूँ बीरोखाल में और यहाँ भी मुझे कुछ काम था, तो यहाँ पे मिल गई है मेरे को मेरी प्यारी सी नंद। और ये भी ब्लॉक में अधिकारी हैं, तो मेरे लिए अच्छा ही हो गया क्योंकि मुझे ब्लॉक का काम करवाना था। तो फिर ये भी मेरी थोड़ी हेल्प करेंगी। और ना बारिश लगी हुई है आज, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हो रहा है। जितनी भी तारीफ़ की जाए हमारे पहाड़ों की कमी है, स्वर्ग है हमारा पहाड़। और दिख भी रहा है आज, बहुत ही सुंदर व्यू आ रखा है। और अभी मेरा थोड़ा ब्लॉग का काम भी हो गया है, तो मैं आपको ये नज़ारा दिखा रही हूँ। हल्के हल्के बादल आ रखे हैं, ये दीवा पर्वत है यहाँ पर। और ये है दोस्तों हमारा पहाड़ी फल, इसको मेलू कहते हैं। और जब ये पक जाते हैं ना तो बहुत नमस्कार दोस्तों, शाम की नमस्ते सबको। और ये है, तो जैसे कि मैं आजकल आ रखी हूँ अपने पहाड़ में, और पहाड़ की सुंदरता के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कमी है। आप देख सकते हैं पीछे से बहुत ही हरा भरा मौसम, मौसम के साथ साथ बहुत ही अच्छा व्यू हो रखा है। ये हमारे अखरोट के पेड़ हैं जो आपको पीछे से दिख रहे होंगे। और अखरोट तो हमने खाए नहीं क्योंकि आजकल आपकी साल बहुत बारिश हुई थी, और बारिश के कारण हम लोगों ने अखरोट तोड़ भी नहीं पाए और सारे बंदरों ने खा लिए। बंदर बहुत हैं हमारे यहाँ पे। और ये है मेरे साथ में जो क्यूट सी बेबी देख रहे होंगे देख रहे होंगे आपने, ये मेरी देवरानी की बेटी है और बहुत ही क्यूट है। लेकिन अभी ने खाने में व्यस्त है, थोड़ा गिरा भी रही है, खा भी रही है। और मेरे को भी केले में सारा सना दिया इन्होंने। और यहाँ आप देख सकते हैं इनकी मम्मी और मेरी देवरानी जी, ये गाय के लिए ना हमारे यहाँ ना पींड बोलते हैं इसको। और जैसे कि बाहर में तो लोग दलिया बनाते हैं गाय के लिए, लेकिन हमारे यहाँ पे ये गाय के लिए ये वाला चारा बनाया जाता है। और ये ना कद्दू के पत्तों का है, ये यहाँ से कद्दू के पत्ते काटे हुए हैं। और इसको अभी हम चूल्हे में पकाएंगे, खूब अच्छी तरह से पका के इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा आटा वाटा, मडवे का आटा, जौ का आटा, और तब गाय को खिलाते हैं। हमारे यहाँ पे पेड़ है, ये ना हमारा पुराना वाला घर है, यहाँ पे मेरे बुड्ढे ससुर जी रहते थे। अब यहाँ पे कोई नहीं रहता है, थोड़ा जीर्ण शीर्ण भी हो गया है ये वाला घर। तो यहाँ पे ना ये नल रखे हुए हैं, अभी हमारे यहाँ पे दूसरी लाइन पाइप लाइन की योजना आ रखी है और पाइप बिछ रही हैं। तो अभी यहाँ पे ये पाइप रखी हुई है इस पर हमारे घर पे। और नीचे वाला एक मकान हमारा ये भी है संतरे के सामने, जिसपे ये जो काम कर रहे हैं ये वाला मकान,
जो पाइपलाइन बिछा रहे हैं हमारे भाई लोग, तो वो हमारे नीचे वाले मकान पे किराए पे रहते हैं। और अब आ गई हमारी देवरानी जी और इसकी मम्मी, और इसने मुझे बहुत दुखी कर दिया है। ये चुप नहीं हो रही अपनी मम्मी के लिए रोए जा रही है। थोड़ी देर मेरे पास ठीक रहती है, फिर रोने लग जाती है। और हम आ रही हूँ इसलिए टाइम नहीं लग रहा है। तो अभी आपको मैं हल्दी के खेत में लेकर चलती हूँ, और आप भी देखिए कैसी हमारी हल्दी हो रखी है। और ये मेरी देवरानी जी और देवरानी जी की बेटी, अभी देखो मेरे पास कितनी रो रही थी, अपनी मम्मी के पास बिल्कुल चुप हो गई है। तो दोस्तों अब हम हल्दी के खेत में जा रहे हैं, और वहाँ के जाने का रास्ता यहाँ से है। तो गांव में भी आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे रास्ते बन रखे हैं हमारे, सुंदर गेट वेट भी बन रखी है। और यहाँ पे ना ये है सलोनी और ये है बिंदी, बिंदी की बच्ची सलोनी, कितनी क्यूट सी है। थोड़ा बारिश से झर हो रखी है, इसके बाल खड़े रोंगटे हो रखे हैं, घास भी नहीं खा रही है, पता नहीं क्या चाहिए इसको भी। और ये तो मेरी दूसरी सास की हैं। हाँ तुम्हारा चलो, ये मेरी देवरानी जी और की हल्दी है ये वाली, और हमारी हल्दी है ऊपर, और इसको बोलते हैं कंडाली, जिसको बिच्छू घास भी बोलते हैं। और इसकी ना हम सर्दियों में बहुत अच्छी साग भी बनाते हैं, भुज्जी भी बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी वाला है ये हैं कक। अच्छा तो इसमें ना हमारी हल्दी है, ये हमारे अखरोट के पेड़ है। अखरोट के पेड़ हैं बहुत सारे, लेकिन जब हमारे पास हमने खाना ही नहीं है तो किस काम के हैं वो। और ये हमारा एक है हल्दी का पेड़, और यहाँ से ही चलते हैं फिर दूसरी तरफ ऊपर। और दोस्तों अब आ गई हूँ मैं अपने दूसरे हल्दी के खेत में। ये ना वो वहाँ से और यहाँ तक है ये हल्दी, मतलब हल्दी हमारी बहुत अच्छी होती है। हम लोग कभी हल्दी खरीद कर नहीं खाते हैं, और हमारे रिश्तेदार भी जो है ना, अपने खास खास रिलेटिव, तो वो भी कभी हल्दी खरीद के नहीं खाते हैं, उन लोगों को भी हम ही देते हैं यहाँ से। और ये ना मेरी सासू जी की मेहनत है, ये मेरी मेहनत कुछ नहीं है इसमें। मेरी सासू जी ने इसको लगाया भी है, इसकी सिंचाई गुड़ाई जो भी होती है निराई सब मेरी सासू माँ ने कर रखी है। और यहाँ पे ना ये हमारे घास वास के पेड़ हैं, थोड़ा बहुत केले का पेड़ भी है, और अखरोट तो हम खाते नहीं है। एक वाली ये वाला पेड़ हमने ना इसकी टहनी सारी काट दी है, टहनी इसकी लकड़ी जलाने के काम आ जाती है सर्दियों। झड़ भी गया इस पे से, हाँ अभी छोटे छोटे लग रहे हैं ये छोटे छोटे पौधे लग रखे हैं इनमें, हो जाएंगे वैसे। अब धूप बारिश होएगी तो अच्छे से हो जाएंगे। और यहाँ पे ना हमने चौलाई वगैरह बो रखी थी, तो चौलाई हमने काट के और उसको दाना वाना भी निकाल लिया है। तो ये मतलब ये साफ ही समझो ये खेत, अब इसका काम नहीं है, इसके डंडे अब काटेंगे हम लोग। तो आइए मैं आपको अपने छन्नी में ले चलती हूँ, छन्नी का मतलब होता है गौशाला। तो दोस्तों आ गई हूँ मैं अपनी अभी छन्नी में, छन्नी यानी गौशाला में। और गाय तो अभी हमारी 4-5 साल से है नहीं वैसे। और हमारे यहाँ ना पहले गायों के बंधन के लिए ऐसे गेट बनाए जाते थे, इनको रेल्ला बोलते हैं, इधर से उधर तक इन पे छेद होते थे, दोनों तरफ दीवार होती थी और ऐसे रेल्ला लगाए जाते थे, और इनसे ना गाय बाहर नहीं निकलती थी, और चार दीवारी होती थी, चारों तरफ ये दीवारी है। ये हमारी बहुत ही पुरानी टॉयलेट है, इसको कम से कम 25-26 साल हो गए होंगे। अभी हमने दूसरी ऊपर अपने जहाँ हम रहते थे वहाँ बना ली, और यहाँ पे भी हमारे एक जोड़ी किराएदार जो अभी बताया था नल, इस वाले मकान पे हमारे वो किराएदार रहते हैं, और यहाँ नीचे भी मिस्त्री लोग रहते हैं, ऊपर भी हमारे एक टीचर रहते हैं पॉलिटेक्निक वाले। और ये हमारी छन्नी है। और दोस्तों मैं आपको अपने क्या क्या हमारे सब्जी लग रखी है वो दिखाती हूँ, आइए आगे। तो दोस्तों जैसे कि जिस चीज़ की बारिश ना हो तो वो खंडर सा बन नहीं जाते हैं, तो अभी हमारे गाय वाय बहुत सालों से 4-5 सालों से गाय वाय रखी नहीं है, तो कभी ये पूरी छन्नी ये 4 कमरे जो हैं पूरा भरा रहता था यहाँ पे। और इतनी बड़ी जो ये मतलब छन्नी का ग्राउंड है हमारा, जो मैदान है यहाँ पे भी फुल भरा रहता था, लेकिन अभी कुछ है नहीं, देख के बड़ा दुख भी हो रहा है, लेकिन क्या करें। तो इस वजह से मेरी सासू माँ ने थोड़ा बहुत यहाँ पे साग सब्ज़ी उगा रखी है, और साग सब्ज़ी में उग रखा है हमारा ये क्यूट सा कद्दू, और ये कद्दू मेरे सासू माँ कल तोड़ के ले गई है, हमने सब्ज़ी बनाई है उसकी। और यहाँ पे ये कद्दू लग रखा है, ये थोड़ा इसको ना घास उसे दबाना पड़ता है, नहीं तो इसको चिड़िया ना खा लेती हैं, तो इसको फिर मैं ऐसे घास से लगा दूँगी। और ना पहाड़ में ये थोड़ा इस टाइप के खीरे होते हैं, ये इस टाइप के खीरे होते हैं, ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया है क्योंकि इसको सही से जगह नहीं मिली शायद, तो ये ऐसे हो गए। इसको ककड़ी बोलते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में, और देसी भाषा में इसको खीरे बोलते हैं। बहुत टेस्टी होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत रसीला होता है, इसको हम नमक हरा नमक के साथ खाते हैं। और यहाँ पे लग रखे हैं हमारे ना
थोड़े थोड़े क्यूट से टमाटर, वैसे टमाटर का पेड़ हमारे घर पे है ही, लेकिन यहाँ पर भी लग रखे हैं ये, तो इनको मैं थोड़ा तोड़ के ले जाऊँगी। ये आगे भी लग रखे हैं, यहाँ पे कंडाली भी हो रखी है और टूटे भी नहीं जा रहे हैं, कंडाली लग जाएगी मेरे पे। तो हमने ये टमाटर भी तोड़ लिए हैं अब। और ये है हमारा मौसमी का पेड़ जो मैंने ऊपर से भी दिखाया था अभी, और मौसमी ज़्यादा नहीं लगी है, थोड़ा पेड़ पुराना हो गया ये। और इस एक मकान ये वाला भी है हमारा, और यहाँ पे मिस्त्री लोग हैं हमारे। और ये ना हम बांझ की लकड़ी का यूज़ करते हैं जिसको हम सर्दियों में जलाते हैं, तो मेरी सासू माँ ने और हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे लकड़ियाँ भी इकट्ठा कर रखी हैं जिसको हम सर्दियों में जलाएंगे। आजकल गीली हो जाती हैं तो आजकल हम लोग जलाते नहीं हैं ये। तो कैसा लगा आपको हमारा छन्नी, हमारा पहाड़, हमारी खेत खलिहान, कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। और जिस मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। और जो ठेठ पहाड़ी होंगे वो तो करेंगे ही करेंगे। थैंक यू। हमारा आरू का पेड़ है, आप लोगों ने पहले भी देख ही रखा है यहाँ पे। और ये ना मिट्टी करेले की बेल जा रखी है यहाँ पे, अभी लगे कुछ नहीं है यहाँ पे। ये भी आरू है हमारा, बिलायती आरू है ये भी। इस पर बहुत बड़े बड़े आरू होते हैं, लेकिन ना वो आया था बल बाग तो सारी टहनी भी तोड़ गया और वो भी खा गया। ये हमारा आम का पेड़ है यहाँ पे। और ये हमारे ना टॉयलेट बाथरूम है, और ये हमारा घर है, ऊपर तीसरी मंजिल तक जा रखा है यहाँ पे हम रहते हैं इस वाले घर पे। तो दोस्तों मैं आपको अब अपनी मिर्ची के खेत में ले चलती हूँ। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं अभी ये मिर्ची के खेत में, और कुछ इस प्रकार से इसमें मिर्ची लगी हुई हैं, हरी हरी हैं, अभी कोई लाल नहीं हो रखी है। इनको टाइम लगता है, टाइम इसलिए लगता है कि यहाँ पे ठंड बहुत है, तो ठंड की वजह से ना पकने में बहुत टाइम लगता है यहाँ पे। तो ये कभी नवंबर दिसंबर में जाके पीली होती हैं, और बहुत लंबे लंबे पेड़ हो रखे हैं इनके। आप देखिए मैं आपको जड़ से दिखाऊंगी, इतने लंबे लंबे पेड़ हो रखे हैं इनके। तो ये हमारा मिर्ची के खेत है पूरा। और ये एक पेड़ और है हमारा यहाँ संतरे का, और इस पर भी बहुत कम संतरे आ रखे हैं आपकी बार। और यहाँ पे ये हमारे तोरी के बेल है, यहाँ पे तोरी की बेल लग रखी हैं, लेकिन उस पर उनको भी बंदर खा जा रहे हैं, पता नहीं थोड़ा छोटा सा जो ही लगता है उनको बंदर खा जाता है, तो हमारे हाथ में वो भी नहीं आता है। और हमारी मिर्ची भी आप लोगों को कैसे लगी वो भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा।